हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार निशा गुरगैन के बारे में, जिनका एक वीडियो टिकटॉक और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके कारण निशा गुरगैन कुछ ज़्यादा ही हमारे इंडिया में फेमस हो गए हैं। टिकटॉक स्टार रियाज के बारे में भी बात करेंगे, जिनका एक फोटो टिकटॉक और सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो वायरल फोटो की क्या रियलिटी है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिकटॉक स्टार रियाज के बारे में, जिनका टिकटॉक पे 22 मिलियंस फैंस फॉलोवर है और इंस्टाग्राम में मिलियंस में है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। इनका क्या हो रहा है, एक फोटो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले एक फोटो देख लो, फेस जो है इसका रियाज का ही लग रहा है, लेकिन इसका बॉडी जो है किसी ने इस फोटो के साथ छेड़छाड़ किया है और एडिट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं सिर्फ लाइक्स एंड व्यूज के लिए। क्योंकि आपको पता होगा आजकल जो टिकटॉक पे चल रहा है फेक फोटो वायरल हो रहा है, इसलिए फोटो है मिस्टर रियाज का नहीं है, किसी ने इसे एडिट किया है, तो इसे हम साइड करते हैं। इसके बाद आते हैं हम निशा गुरगैन के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा निशा गुरगैन का एक वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो इसके कारण कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं भाई माता पिता से मिला हो। तो सबसे पहले एक वीडियो काफ़ी दिन पहले अपलोड किया है, तो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने ये देख लिए, ये जो है निशा गुरगैन के फादर एंड मदर है। तो निशा गुरगैन इतनी जल्दी फेमस क्यों होना चाहते थे इंडिया में, आप लोगों को मैं बता दूं अब कैसे हुआ। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो टिकटॉक और सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। इस तरह के वीडियो है यहाँ पे मैं प्ले करके नहीं दिखा सकता। और निशा गुरगैन ने अपने वीडियो खुद शूट किया, खुद से ही वीडियो को वायरल किया, सिर्फ फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा निशा गुरगैन यहाँ पे फेमस तो हो गई है, आप समझ सकते हैं कुछ कुछ लड़की ऐसे भी है फेमस होने के लिए कुछ इस तरह के भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। निशा गुरगैन ने स्टेटमेंट में दिया था, इस वीडियो को मैंने खुद शूट किया था और मैंने खुद से वायरल किया हूँ स्नैपचैट के द्वारा। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को खुद से शूट किया और खुद स्नैपचैट पे अपलोड किया था और वहाँ से वीडियो वायरल हुआ, लेकिन यहाँ पे वीडियो जो वायरल किया था लड़की ने किया था। तो यहाँ पे निशा गुरगैन के साथ किसी भी प्रकार का कानूनी एक्शन नहीं लिया गया है। कानूनी आप सोच सकते हैं, इस वीडियो को यदि लड़का ने वायरल किया होता तो लड़का के साथ क्या होता, कभी आपने सोचे हैं? नहीं ना। तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। आप लोग कमेंट करते रहते हो भाई निशा गुरगैन ने जो गलती किया, वीडियो आपके पास है तो डिलीट कर दो, शेयर मत करो। तो भाई बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो, मैंने आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। यदि एक निशा गुरगैन पे आज के डेट में अगर वीडियो नहीं बनता है सकते आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले एकरा कपूर हमारे हाईलाइट में आए थे वेब सीरीज को लेकर, जो आदमी के उसने काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती किया था, आप लोगों को पता है। तो कुछ टाइम ऐसा ही होगा जो निशा गुरगैन भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, वेब सीरीज बनाएगी और फिर इंडियन लोगों को किसी न किसी प्रकार का बेइज्जती करेगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।